हाय गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबके लिए मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की एक टोटल कॉस्ट है, बट आपको ये नहीं पता है कि हर मटेरियल को आपको कितनी कॉस्ट लगने वाली है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। सिविल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इतनी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो उस पर्टिकुलर कॉस्ट में से मटेरियल के लिए कितना परसेंट जाने वाला है, ठीक है, लेबर के लिए कितना परसेंट जाने वाला है और इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर को कितना परसेंट जाने वाला है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट का यूज़ करके आपको ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आपको यूडीमी से बिल्डिंग डिज़ाइन का कोर्स अगर करना है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको भी कर सकते हैं। उसका यूज़ करके आप ईटैब सॉफ्टवेयर फुल तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। ये मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लाइंट का नाम डालना है, प्रोजेक्ट का नाम डालना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लॉट का साइज डालना है। जैसे मान के चलो मेरे प्लॉट का साइज है 20x15, ये मैंने डाल दिया। 20x15 स्क्वायर फिट मेरे प्लॉट का साइज है, तो 300 स्क्वायर फीट ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। और इस पूरे कॉस्ट के लिए मुझे लगने वाले 15 लाख रुपए, जैसे मैं 20 लाख रुपए मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब 20 लाख रुपए का मुझे क्या आने वाला है, खर्चा आने वाला है, ओके। अभी हमें यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया है, रेट पर स्क्वायर फीट, ये भी आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा रेट पर स्क्वायर फीट जो है वो है 1000 रुपीज, ठीक है, ओके। मैं वैसे मान कर कि मेरा एक रेट स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट है वो है 1000 रुपीज, ओके। तो उसके बेसिस पे अभी मुझे क्या करना है, कॉस्ट एस्टिमेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये ऑलरेडी मेरे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बस नीचे देखना है, ये टेबल आपको ये बताएगा कि सीमेंट का कितना कॉस्ट आपको लगेगा इस पूरे बिल्डिंग के लिए। मतलब कि अगर ये आपका सीमेंट आप इस बिल्डिंग के लिए जो यूज करोगे वो आपको 10% लगने वाला है, जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए लगेगी। स्टील जो है वो आपको लगेगा कितना, 15%, और उसकी कॉस्ट लगेगा आपको 3 लाख रुपए। सैंड जो है वो आपको लगेगा 8%, उसकी कॉस्ट है 1,60,000 रुपीज। ग्रेवल आपको 4% यूज करना है, जिसका कॉस्ट आएगा 80,000 रुपीज। फिनिशिंग, कलर, टाइल्स और ब्रिक के लिए आपको 9.5% लगेगा, जिसका कॉस्ट आएगा कितना, ये आप 1,90,000। विंडो से लेके सैनिटरी तक आपको 13.5% लगेगा, जिसका कॉस्ट आएगा 2,70,000। तो सब पूरा मिला के आपको जो खर्चा आएगा मटेरियल का वो आता है 60%, तो दैट मीन्स इट इज अ 12 लाख रुपीज। मतलब अगर आपका 20 लाख रुपए का पूरा कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, तो आपको मटेरियल के लिए 12 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो लेबर आपके पास रहेंगे, ओके, उनको आपका 30% देना पड़ेगा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, जो कि रहेगा 6 लाख रुपीज, ओके। और आपका जो प्रॉफिट रहेगा दैट इज 10%, जो कि रहता है 2 लाख रुपीज। तो ऐसा अगर 20 लाख का आपको स्प्लिटअप मिल जाता है, तो इसका यूज करके आप अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप अपने मटेरियल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा जो आपका वेस्टेज जाना है उस मटेरियल को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर, अगर आपको प्रॉपर प्लानिंग अगर मिल जाती है, तो इसका मतलब यू कैन मैनेज योर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वेरी वेल, एम आई राइट, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का यही मकसद था कि आप सब लोगों को मैं रूबरू करवाऊँ कि हम किस तरीके से जो अवेलेबल कॉस्ट है उसको परसेंटेज में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको बिल्डिंग डिज़ाइन का पूरा ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप यूडीमी पे जाके वो सीख सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।